वेलकम टू माय चैनल। मैं आया हूँ ग्राउंड पे और आज मैं मैच नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी कल तबीयत ख़राब हो गई थी। तो आज दो मैच जो कर रहे हैं वो दोनों अंपायर आ गए हैं और हमारे यहाँ पे चाय वाला है मिथुन चक्रवर्ती से 8 बारी मिला, तो हो सकता है कि वो आज डांस करेगा। उसका डांस भी दिखाता हूँ मैं आपको, अभी डांस करेगा तो दिखाता हूँ थोड़ा सा। बाकी दोनों टीमें आ गई हैं और मैच है कोसी कला और माधीपुर के बीच में, और कोसी कला ने टॉस जीत के पहले बैटिंग की है। दोनों टीमें टूर्नामेंट से बाहर है, कल से क्वार्टर फाइनल शुरू हो रहे हैं और सैटरडे का जो है यहाँ पे फाइनल है और उसके बाद हम फ्री, फिर DDC और अपने मैच। इसी एक इनिंग खत्म हो चुकी है और दूसरी इनिंग शुरू होने वाली है और बैठे हैं बाहर। आज के अंपायर सत्यपाल और अंकित यादव, जो पिछले कई दिन से लगातार कर रहे हैं, और क्योंकि लीग के मैच शुरू हो गए तो अंपायर आजकल वहाँ बिजी हैं सारे, तो ये भी इनके वहाँ लगी नहीं थी और यहाँ पे लगे हुए हैं। 1500 रुपये आ गया कि क्या के एक मैच मिल ही गया हमें जो आज हम खेलेंगे। पंछी को आज अंतिम मैच में मौका मिला है क्योंकि इसका रिटायरमेंट का लास्ट मैच है और बड़ी मुश्किलों से इसको आज मैच खिलाया जा रहा है क्योंकि हेलो मेरे ब्लॉग में सबको पता तू कहाँ होता है। तो सीधा है कि आज आकाश ने इसको मौका दिया है, अगर 50 रन बनाता है तो अगले 2 साल के लिए खेलेगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर वो भी लास्ट मैच ही मिलेगा, स्टार्टिंग में नहीं मिलेगा। कुछ नहीं दिया, 10,000 रुपये दिए इसने। 10,000 रुपये देंगे भाई साहब, मौका कुछ नहीं दिया पाजी। मैं उत्तर मुझे कप्तान पंछी ने हमें 10,000 रुपये दिए इसलिए सो खिला रहे हैं। तो ये पंछी तो आकाश आप क्या कहेंगे इस बारे में? अब देखते हैं, मौका दिया है। उत्तम नगर ने टॉस जीता है SSS और उन्होंने पहले बैटिंग का निर्णय लिया क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि खूब रन देना चाहता है बबीता 11 को, और बबीता 11 की टीम ऐसी है कि अगर चमत्कार नसीरुद्दीन शाह आ गया तो जीत जाएगी, अगर नहीं आया तो वो बार भी हो सकती है। गाइस 8 ओवर हो चुके हैं समय और बबीता वर्सेस मैच चल रहा है और SS उत्तम नगर का, और पहले बैटिंग कर रही है, सब अच्छी बैटिंग चल रही है SS उत्तम नगर की, और हम लोग भी बाहर बैठे एंजॉय कर रहे हैं। कल मेरी अंपायरिंग है, कल परसों 3 दिन लगातार, कल तबीयत खराब हो गई थी और बाहर बैठा हूँ मैं अभी। ये वो टीमें हैं जो टूर्नामेंट से बाहर होके अपना एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ सॉफ्ट ड्रिंक चल रही है इनके। बहुत भीड़ और कल के मैच है नहीं हमारे यहाँ पे, कल विकेट तैयार की जाएगी। इंटरेस्टिंग हुआ और मैच जीती है उत्तम नगर SS क्रिकेट क्लब और हारी है मोगली की टीम बबीता देवी, और 5 रन से मैच हारी और बड़े अच्छा मैच लास्ट तक चलता रहा और सारा दिन यहीं बैठे बैठे मैच देखा। और कल मैच है नहीं, परसों हम बैरिंग करेंगे, परसों से क्वार्टर फाइनल शुरू होंगे हमारे। एवरीवन वेलकम टू माय चैनल, और आज मैं उत्तम नगर में हूँ और आज है यहाँ पे 2 मैच, दोनों क्वार्टर फाइनल आज भी और कल भी, परसों है सेमीफाइनल और संडे का फाइनल। तो आज बड़े इंटरेस्टिंग मैच होने वाले और बीच बीच में आपको मैं झलकियाँ दिखाता रहूँगा। शुरू हो गई हैं और शाहदरा के भी प्लेयर आ गए और चिराग के तो लगभग प्लेयर आ चुके हैं। पंछी भी आज टाइम से है क्योंकि इसका परसों लास्ट मैच था, इसने अपना संन्यास ले लिया परसों का मैच खेल के, समझा दिया। दूसरी टीम का कैप्टन भी ने जो आजकल फॉर्म में नहीं चल रहा तो आशीर्वाद ढंग से ले नहीं रहा और दे नहीं रहा, ग्राउंड भी चमचमा रहा है। और आज 4 दिन का टूर्नामेंट रह गया, उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे, फिर अपने मैचेस मेरे चलते रहेंगे। पहले भी एक बार दिखाया, हमारी गली में जागरण हुआ था और कोई पार्टी हुई थी तो ये वहाँ पे आया था, तो ये हाथ खिला हुई तो भी हाँ, और ये चिंटू का भांजा है और ये बहुत कमज़ोर हो गया, पहले इसका वजन था 106 किलो, अब हो गया 136 किलो। आज हम अंपायरिंग कर रहे हैं, मेरे साथ है अंकित यादव और पिछले 4-5 दिन से इसने भी लगातार किए, तो आज मेरे साथ फिर अंकित है, तो आज दोनों क्वार्टर फाइनल करेंगे। आज भी शाहदरा की टीम लेट है तो आज भी मैच मुझे लगता है 6 बजे तक चलेंगे क्योंकि यहाँ पे ओवर तो जल्दी काटते नहीं है, और आज फिर इन्होंने दिक्कत कर दी है और देखते हैं, कोशिश करते हैं। छोटा मैच हो क्योंकि नॉकआउट मैच है तो दिक्कत भी हो सकती है, आज अगर कोई मैच टाई होता है तो शाम को टाइम इतना बचता नहीं कि दोबारा सुपर ओवर कराए, क्योंकि बड़ा मैच है तो बड़े मैच में बड़ा प्लेयर मुश्किल ही खेलता है,
बार संभालना होता है सारा। टीम को भी बता दिया अगर वो 90 मिनट में फील्डिंग करते हुए दूसरी इनिंग में अगर नहीं करते तो 7 रन पर ओवर के हिसाब से पेनल्टी लगाई जाएगी, और तो कप्तान को सारा समझा दिया। मैच हुआ इस समय क्वार्टर फाइनल पहला, 2 बॉलों पे 11 रन, नहीं तो एक समय ऐसे आ गया था 18 बॉलों पे 21-23 रन चाहिए थे, लेकिन रोहित ने भी बड़ी अच्छी बॉल की, उससे पहले उसने 17 रन खाए थे, और उसके बाद राहुल ने भी अच्छी बॉलिंग की, पहली बॉल पे छक्का खाने के बाद भी उसने मैच को संभाल लिया। सिराज क्रिकेट क्लब बाहर हो गया और शाहदरा ने जीत लिया मैच, बड़ा अच्छा मैच हुआ था और पहला मैच खत्म हो गया। टीम आ गया दूसरे मैच की टॉस करवाने, मैं बाहर गया था फिर अंदर भेज दिया ऑर्गेनाइजर ने, और मेरे साथ फिर लाखन, और आज इनका क्वार्टर फाइनल मैच है और पहला मैच बहुत ज़बरदस्त हुआ। इस फिर सारे गेस्ट आ गए हैं और हर रोज़ की तरह टॉस करवाने के लिए, अभी मैंने ब्लॉग में इनको डाला नहीं, अब डाल दूंगा, आजकल मैं इनका भी ब्लॉग बन जाएगा। दूसरा क्वार्टर फाइनल अभी 15 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा, लंच करने के बाद टॉस कराने के लिए आ गया है। मांग रहा है लखन, उड़ाओ बेटा। हाँ कोई नहीं ऐसे कर, हाँ फेंक दे जोर से ऊपर, और टॉस जीती है बबीता 11 ने, और पहले बैटिंग का निर्णय लिया, और सारे के सारे हमारे जितने भी गेस्ट हैं बाहर जा रहे हैं, और 15 मिनट के बाद मैच स्टार्ट हो। तो गाइस ये मैच हुआ है बड़ा ज़बरदस्त, और बबीता देवी ने 1 रन से मैच जीता है, और बहुत ही शानदार जो मैच हुआ आज, पहले 48 पे 8 आउट होने के बाद 124 रन बनाए, और ये नज़ारा है हमारे यहाँ का, और बहुत बढ़िया इस समय, बहुत ही बढ़िया मैच गाइस, मैच बहुत बढ़िया हुआ, और आज अंपायरिंग भी अच्छी हुई और लोगों ने तारीफ भी की है, और ये भीड़ हमारे यहाँ की, ऐसा लगता है जैसे हम वेस्ट इंडीज़ में आ गए हैं, तो आज से 35 साल पीछे जा रहे हैं हम, तो ये हमारे यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ वाला काम। ये है टीम पूरी, और मैच जीत गई है, सेमीफाइनल में प्रवेश कर गई है टीम, बहुत अच्छा मैच रहा आज का। तो गाइस ये टीम आज आ गई है, और बहुत अच्छा मैच हो रहा था, जिस टाइम मैच हो रहा था तो बहुत वन साइड मैच चल रहा था इनका, और एक टाइम ऐसा हुआ था कि मैच जीते हुए थे, और फिर उसके बाद एक गलत शॉट ने मैच को हरवा दिया है लास्ट में आगे। एवरीवन वेलकम टू माय चैनल, मैं आ गया उत्तम नगर ग्राउंड पे, यहाँ पे आ गया सेमीफाइनल, पहला सेमीफाइनल आज उत्तम नगर ट्रिपल एस वर्सेस स्पार्टन, दिल्ली स्पार्टन के बीच में, और आज की अंपायरिंग भी है, और यहाँ पे डीजे का आज काम ज़्यादा है, साउंड ज़्यादा चलेगा यहाँ पे, और ये लोग तंग करेंगे आज, और एक नवीन आएगा वो जान खा जाता है। यहाँ का ये स्टाफ है, ये डीजे मास्टर है हमारे सोनू भाई, और ये कमज़ोर आदमी मैंने पहले भी आपको दिखाया था, कुछ खा नहीं रहा पिछले 15 दिन से। यहाँ पे एक धोबी घाट है, और यहाँ पे है आज भंडारा, और भंडारा भी खाया जाएगा, और भंडारा खाने वाले कई बंदे हमारे साथ हैं, आएगा तो सारे ही खाएंगे यहाँ पे। तो गाइस ये आज सारे तैयार हो गए हैं, और आज काम नहीं है, आज ग्राउंड के कपड़े भी नहीं डलेंगे, और ये भगत जी की दुकान, और ये ब्रेड पकौड़े, और ये तेल है जिसमें बनाते हैं ब्रेड पकौड़े। अभी हम केक काटने जा रहे हैं, 1K करने का आपका बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, और आगे जाने के बाद आपने और भी व्यूज बढ़ाने हैं और सब्सक्राइबर भी बढ़ाने हैं, सब कुछ अच्छा करना, तो अब हम केक काटेंगे 1K होने का। बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। 1K करने के लिए गाइस को भी डालो कैमरा में, ये आपके लिए है, आपने खाना है, और आगे और जाके उसे खा दे। कंग्रेचुलेशंस फॉर 1K सब्सक्राइबर, थैंक यू गाइस, ऐसे सपोर्ट करो, ऐसे सपोर्ट करो,
व्यूज बढ़ाओ, व्यूज बढ़ाओ, सब्सक्राइबर्स, ठीक है, हम इतनी इंग्लिश आती है यार। कांग्रेचुलेशंस 1K सब्सक्राइबर की, आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आपने 1K सब्सक्राइबर की, आपका थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस सबको 1K सब्सक्राइबर के लिए, पूरी यूट्यूब फैमिली। थैंक यू।